हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन बाड़मेर। जिला स्तरीय स्कूटी वितरण समारोह का आयोजन स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय माल गोदाम रोड में मंगलवार को बाड़मेर विधायक व राज्य गो सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन के मुख्य आतिथ्य में किया गया। समारोह में वर्ष 2019 के व 20 के इंदिरा प्रियदर्शनी की 39 स्कूटी एवं कालीबाई भील मेधावी योजना में 7 स्कूटी एवं 1 स्कूटी गांधी विचार मंच योजना के तहत प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गोसेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने कहा कि मेधावी छात्रों को स्कूटी वितरण का कार्य राज्य सरकार की एक महत्ती योजना है, जिससे बालिकाओं को उच्च अध्ययन हेतु कॉलेज जाने में सुविधा प्राप्त होगी एवं अन्य बालिकाओं के लिए एक प्रेरणादायक कार्य है, ताकि उनमें भी प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी, जिससे जिले में अन्य बालिकाएं प्रेरणा लेगी। जैन ने स्कूटी प्राप्त करने वाली सभी बालिकाओं को बधाई देते हुए उच्च अध्ययन के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। कार्यक्रम में नगर परिषद बाड़मेर के चेयरमैन दीपक माली बतौर अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीकाराम प्रजापत, साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक राजन कुमार शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जेतमला सिंह राठौर, विद्यालय की प्रधानाचार्य लक्ष्मी बख्तानी मौजूद रहे। इस अवसर पर इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के अंतर्गत 39 स्कूटी, कालीबाई भील योजना के तहत 6 एवं गांधी विचार परीक्षा के तहत 1 कुल 46 स्कूटियों का वितरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में स्कूटी प्राप्त करने वाली जिले की मेधावी छात्राओं के साथ ही उनके अभिभावक एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा से शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रभारी हिम्मत सिंह सोलंकी, संस्थापक प्रभारी अशोक कुमार भामू, साथ ही खेलकूद प्रभारी मदन सिंह चूली, लेखा शाखा प्रभारी रमेश कुमार, हरि सिंह राणी गांव, इरफान खान, हनुमान सिंह, मदन सिंह सहित जिला स्तर के प्रभारी अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता किशन लाल प्रजापत ने किया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।